क्वेश्चन है, द थ्री रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शोन बिलो, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिस्पुटेशन। हमें इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमें पता है पावर क्या होती है, पावर हमारे पास होती है ई इंटू आई, ई को क्या लिख सकते हैं आई आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी आई स्क्वेयर आर, तो पावर हमारे पास क्या होगी आई स्क्वेयर आर, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया हमारे पास आर के, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर, तो जिसका आर ज्यादा उसकी पावर क्या आएगी ज्यादा आएगी। तो हमारे पास इस केस में तीनों क्या है आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास, तीनों सीरीज में है तो सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे तो थ्री आर आ जाएगा। इस केस में देखें तो तीनों क्या है पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, तीनों वन बाय आर यानी कि आर बाय थ्री, इन तीनों के केस में क्या आ जाएगा आर बाय थ्री। और इसमें देखें तो ये दोनों सीरीज में और इसके साथ क्या है पैरेलल में, यानी कि टू आर, तो आर इफेक्टिव वन बाय आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा वन बाय टू आर प्लस वन बाय आर, यानी कि टू आर तो वन प्लस टू यानी कि थ्री बाय में टू आर, तो क्या आ जाएगा टू आर डिवाइड बाय में थ्री, तो इनका आर इफेक्टिव क्या गया टू आर बाय में थ्री। और इस केस में आर इफेक्टिव ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल में तो क्या आ जाएगा आर बाय टू, इन दोनों का आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा आर बाय टू। अब ये इसके साथ क्या है सीरीज में, तो आर इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा आर बाय टू प्लस आर, यानी कि टू एलसीएम आ जाएगा आर प्लस टू आर यानी कि थ्री आर डिवाइड बाय में टू। तो हमारे पास आर इफेक्टिव अब देखें तो सबसे ज्यादा आर इफेक्टिव किसका है हमारे पास दिस, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी सबसे पहले अगर पावर का अरेंजमेंट करें तो सबसे पहले फर्स्ट की ज्यादा होगी, फिर हमारे पास देखें आर सबसे ज्यादा किसका है पहले फर्स्ट आएगा, फिर हमारे पास सेकंड की आर ज्यादा है तो फिर सेकंड, देन थर्ड और फिर फोर्थ, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा आर इफेक्टिव का अरेंजमेंट। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि जिसका आर इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आर इफेक्टिव वन का ज्यादा फिर टू का फिर थ्री का फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 54, तो इस प्रकार से जिसका आर इफेक्टिव ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी पावर, पावर फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था तो हमारे पास क्या आ गई पावर का अरेंजमेंट आ गया, सबसे पहले इसकी ज्यादा होगी फिर दिस देन देन, दिस इज द क्वेश्चन।